देश में जारी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा जहां प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, वहीं किसानों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। एक तो लॉकडाउन, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं पिछले 4 महीने से किसी भी किसान को इनपुट सब्सिडी की राशि नहीं मिली है। ऐसे में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने आज कांटी क्षेत्र के कई गांवों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस से सतर्क रहने और लॉकडाउन में फंसे हुए गरीबों को हर स्तर पर मदद करने की अपील की। अजीत कुमार ने पंचायत स्तर पर 25 लोगों की एक रिलीफ टीम बनाई, जो कि कल से ही सामाजिक स्तर पर राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। प्रखंड के दादर, कपरपुरा और कलवारी गांव में आयोजित बैठकों में अजीत कुमार ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। अजीत कुमार का कहना है कि मीडिया के माध्यम से कई बार कृषि मंत्री से किसानों की सब्सिडी राशि देने की बात कही जा चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अजीत कुमार ने कहा कि फिलहाल खरीफ की खेती किसानों के लिए चुनौती बन गई है। अगर अब भी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करेगी तो किसान सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे। प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति का किसानों को इनपुट सब्सिडी देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन रिजल्ट सिफर है। लगता है कि यदि समय रहते किसानों को राहत नहीं पहुंचा तो खरीफ फसल ही इस बार खत्म हो जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं, क्या किसान दफन हो जाएंगे तब उन्हें राहत मिलेगा, तब उन्हें मुआवजा मिलेगा? मजदूर दाने दाने के लिए बिलक रहे हैं, लॉकडाउन में फंसे हैं, कोई देखने वाला नहीं। इसी मामले को लेकर आज हम कलवारी में आए हैं, गरीबों के बीच बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। आखिरकार लॉकडाउन में इस इलाके के गरीबों का क्या हाल है? लोगों ने बताया है, चर्चा हुआ है कि रोजी रोटी नहीं मिलने से मजदूर परेशान है और पूंजी नहीं रहने से किसान बदहाल है। काफी त्रासदी की स्थिति है। हम आज फिर एक बार सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्या किसान मजदूर का दफन होना आपको अच्छा लगेगा? यदि अच्छा नहीं लगेगा, अगर कल्याण की बात करते हैं तो समय गमाए बिना गांव के किसान मजदूरों को तुरंत इनपुट सब्सिडी का लाभ दीजिए और मजदूरों को काम दीजिए। इनके धैर्य का परीक्षा और अधिक लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि भूखे पेट आदमी इंसान नहीं, हैवान बन जाता है। लड़ाई होगी, लोग सड़क पर आ जाएंगे। किसानों के लिए आयोजित की गई इस बैठक में कई सामाजिक संगठन और नेता शामिल हुए और सभी ने इस विकट परिस्थिति में प्रभावितों को हर संभव मदद करने का भी संकल्प लिया। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट।